असम के दरंग जिले के गोरुखुटी में 2021 में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 23 सितंबर 2021 को गोरुखुटी में हुई हिंसा में 2 लोग मारे गए थे और कई घायल हो गए थे, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे। इस मामले की जाँच के लिए राज्य सरकार ने जस्टिस VG अग्रवाल की अध्यक्षता वाली 1 सदस्यीय जाँच आयोग का गठन किया था। सेवानिवृत्त जस्टिस अग्रवाल ने मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को सौंप दी है। 319 पन्नों वाली रिपोर्ट में आयोग ने 16 सुझाव भी दिए हैं। इस रिपोर्ट में विभिन्न दल संगठनों द्वारा सौंपे गए 55 ज्ञापन और 44 प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही भी दर्ज है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, असम के दरंग जिले के गोरुखुटी में 2021 में चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हुई हिंसा की जाँच के लिए गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। 23 सितंबर 2021 को गोरुखुटी में हुई हिंसा में 2 लोग मारे गए थे और कई घायल हो गए थे, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे। और इस मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने जस्टिस BD अग्रवाल की अध्यक्षता वाली 1 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया था। सेवानिवृत्त जस्टिस अग्रवाल ने मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को सौंप दी है। 319 पन्नों की यह रिपोर्ट है, जिसमें आयोग ने 16 सुझाव दिए हैं। इस रिपोर्ट में विभिन्न दल संगठनों द्वारा सौंपे गए 55 ज्ञापन और 44 प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही दर्ज है।